ओके वी विल स्टार्ट विद द क्लिनिकल्स इन्वॉल्विंग स्क्रोटम एंड टेस्टिस सबसे पहले वेरिकोसील वेरिकोसील में क्या होता है जो फॉर्म प्लेक्सिस है विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम उसमें वेंस इलॉन्गेट और डायलेट कर जाती हैं ठीक है दिस इज नॉर्मल फॉर्म प्लेक्सिस और ये वेरिकोसील वाली कंडीशन है कि वेंस इलॉन्गेट और डायलेट की हुई हैं अब होता यह कि जो राइट टेस्टिकुलर वेन है वो ड्रेन करती है इनटू द इन्फीरियर वेना कैवा जिसका प्रेशर कम होता है और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करती है इनटू रीनल वेन जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है तो लेफ्ट साइड वेरिकोसील ज़्यादा कॉमन है अब अगर किडनी की किसी भी प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन प्रॉपर्ली अपनी ड्रेनेज नहीं दे रही रीनल वेन को तो लेफ्ट साइडड वेरिकोसील कॉमन है और अगर किसी को लेफ्ट साइड वेरिकोसील है तो ही शुड गो फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ किडनी नेक्स्ट इज मलेगनेंट ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस मेलेग्नेंट ट्यूमर ऑफ़ द टेस्टिस किस तरह ट्रांसफर होता है अगर टेस्टिस में कोई ट्यूमर है तो लिम्फ नोड्स के थ्रू वो ट्रांसफ़र होता है ठीक है पैरा पैराटिक नोड्स टेल्वन के लेवल पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होता है और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो स्क्रोटम की स्किन और टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर ले और सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो जहाँ पे वॉल ऑफ द स्क्रोटम ड्रेन होती है वहाँ पे भी वो मेलेग्नेंट ट्यूमर जा सकता है नेक्स्ट देर इज़ टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस ठीक है टॉर्शन ऑफ द टेस्टिस का मतलब है देर इज रोटेशन ऑफ द टेस्टिस अराउंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड ओके दिस इज़ टेस्टिकुलर टॉर्शन ठीक है ये नॉर्मली प्रेजेंट है अब यहाँ पे क्या होगा कि ये रोटेट करें टेस्टिस ने रोटेट कर लिया राउंड तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ठीक है दिस इज़ नॉन अ टेस्टिकुलर टॉर्शन और टेस्टिकुलर टॉर्शन ज़्यादातर यंग मैन में कॉमन होती है और इसको अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लॉक हो सकती है दैट कैन लीड टू नेक्रोसिस ऑफ द टेस्टिस ठीक है नेक्स्ट इज एंटीजियन इन्वरियन एंड पोलर इन्वरियन इसमें क्या होता है कि ये दिज आर द डिवेलपमेंटल प्रॉब्लम्स नॉर्मली uh, हमें पता है कि एपिडाइडमस टेस्टिस के पीछे होता है वैस डिफरेंस मिडली प्रेजेंट होती है एंटीरियर इन में क्या होता है कि अपीडाइडमस एंटीरियरली आ जाती है ठीक है और टेस्टिस और ट्यूनिका वेजाइनलिस पोस्टीरियरली चले जाते हैं और पोलर इन में क्या होता है टेस्टिस और एपिडाइडमस कम्पलीटली ही इन्वर्ट हो जाती है उनकी पोजिशन दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ द टेस्टिस एंड स्कोटम थैंक यू